नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में पुरुष रोग विशेषज्ञ या एंड्रोलॉजिस्ट, जो कि मरीजों में स्पर्म काउंट या स्पर्म काउंट की कमी या पुरुष मांझपन का एक्यूरेट साइंटिफिक मॉडर्न इलाज करता हूं। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरह वीर्य की जाँच घर पर पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। अगर आप अपने वीर्य को घर पे चेक कर रहे हैं, जैसे उसका गाढ़ापन, सफ़ेदी या उसको पानी में टपका के, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वीर्य की जांच प्रॉपरली की जाए तो उसको माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोप मतलब कि एक बहुत सूक्ष्म दूरबीन जिसके अंदर से हम स्पर्म के अंदर देख सकते हैं कि स्पर्म का काउंट, स्पर्म की शेप, स्पर्म चल रहा है नहीं चल रहा, स्पर्म में कोई एंटीबॉडी तो नहीं है, स्पर्म कितना है, वो है। ये जाँच बहुत ही चीप है, नॉर्मली 500 से 1000 रुपये के अंदर ये जाँच हो जाती है, और इस जांच में आपको अपने स्पर्म काउंट की कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगी। आज के वीडियो में बात करेंगे कि वीर्य की जांच के कौन से तरीके हैं, वीर्य की जांच को कैसे दिया जाए, वीर्य की जांच देने से पहले और बाद में क्या क्या प्रिकॉशन मेंटेन किया जाए, और वीर्य की जांच की रिपोर्ट आए तो उस वीर्य की जाँच की रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स है जो आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं अपने स्पर्म काउंट के बारे में। तो सबसे पहले वीर्य की जांच दो तरीके से होती है। एक होती है मैनुअल, मैनुअल मतलब कि एक जो डॉक्टर है वो आपके वीर्य के सैंपल को लेगा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखेगा और उसके नीचे देख के पढ़ के उसके अंदर बताएगा आपकी रिपोर्ट। इसको बोलते हैं मैनुअल सीमन एनालिसिस या हस्बैंड सीमन एनालिसिस या HSA, जो आपके डॉक्टर कई बार आपके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड सीमन एनालिसिस या कासा। कासा एक स्पेशल मशीन है जिसके अंदर एक कैमरा होता है, जब स्पर्म के सैंपल को उसमें फीड करते हैं तो कैमरा उस स्पर्म की फोटो लेता है, उसको मैग्नीफाई करता है और सॉफ्टवेयर अपने दिमाग से एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि इसमें स्पर्म के क्या पैरामीटर है। तो कासा बेसिकली एक कंप्यूटर एडेड सीमन एनालिसिस है, इसमें आदमी या मैनुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पर्म नहीं होता है और इसकी रिपोर्ट भी काफ़ी एक्यूरेट होती है। कासा थोड़ा महंगा होता है क्योंकि कासा जो है वो कंप्यूटर से होता है, पर कासा और मैनुअल सीमन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है चीज़ें समझने में। तो कासा के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का फ़ायदा नहीं, अगर आपके यहाँ मैनुअल सीमन एनालिसिस अवेलेबल है तो उसको कराइए। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हम सीमन एनालिसिस किस लैब पे कराएं, सीमन एनालिसिस कहाँ होता है। सीमन एनालिसिस हमेशा वहाँ होगा जहाँ पर पैथोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल है, ये रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड वालों के पास, डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं होता। यहाँ पर हमेशा एक पैथोलॉजिस्ट या वो डॉक्टर जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्म को देख पाए, उसका होना ज़रूरी है। सेकेंड है कि स्पर्म एनालिसिस हमेशा वहाँ कराइए जहाँ पर आपके सीमन सैंपल को आधे घंटे के विदिन प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब आपने रिपोर्ट दी तो आधे घंटे के अंदर आपको वो डॉक्टर उसको देख ले, क्योंकि अगर उस सीमन को स्टोर किया जाएगा और उसको लेके जाया जाएगा कहीं दूर या जहाँ पर दो या तीन घंटे बाद उसकी जाँच हो, तो आपके पैरामीटर्स अपने आप खराब हो जाएगी, क्योंकि दो तीन घंटे में जो स्पर्म है वो कुछ स्पर्म मर जाएंगे, कुछ स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो जाएगी, तो आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो हमेशा स्पर्म टेस्ट वहाँ कराए जहाँ पर डॉक्टर आपका स्पर्म लेने के बाद विद इन हाफ एन आवर आपका स्पर्म प्रोसेस कर दे। अब वीर्य की जांच से पहले प्रिकॉशन क्या क्या ले, अगर वीर्य की जांच करानी हो तो पहले तो अपने डेली लाइफस्टाइल को चेंज मत कीजिए। जस्ट बिकॉज कि आपको जांच करानी है तो आप स्मोकिंग छोड़ दिया, आपने रेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो उसका मतलब है कि जो आपकी रिपोर्ट आएगी वो आपके रेगुलर लाइफस्टाइल को नहीं दर्शाएगी। तो अगर आप वैसे तो रोज़ दिन में 10 सिगरेट पीते हैं पर सीमन टेस्ट से पहले 3 दिन नहीं पीते, तो आपकी रिपोर्ट तो अच्छी आ जाएगी पर आपका जो इलाज है वो डिले हो जाएगा, और आप रेगुलर स्मोकिंग करते रहेंगे तो आपका जो बच्चे का इशू है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो वीर्य की जाँच से पहले जो आपका रेगुलर लाइफस्टाइल है आप उसे मेंटेन कीजिए, उसमें चेंज मत कीजिए। सेकेंड है परहेज। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य की जांच से पहले 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन परहेज, 3 दिन का परहेज सफिशिएंट है, ज़्यादा या कम परहेज दोनों में रिपोर्ट ख़राब आएगी। अगर आप बहुत दिन परहेज कर रहे हैं तो वो सीमन आपके अंदर कलेक्ट होके वो सड़ जाएगा, उसकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आएगी। बहुत कम परहेज रखेंगे तो भी स्पर्म काउंट आपका गलत आएगा, तो नॉर्मली 3 दिन का परहेज सफिशिएंट है। नॉर्मली सीमन टेस्ट को सुबह खाली पेट कराइए, क्योंकि एक तो सुबह पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, आपकी रिपोर्ट हाथों हाथ हो जाएगी, प्लस मॉर्निंग में स्पर्म काउंट यूजुअली इवनिंग से बेटर या ज़्यादा आता है। तीसरा है कि सीमन को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लैबोरेटरी में जाके ही दीजिए, हस्त मैथुन करके। तो यूजुअली जो लैबोरेटरीज है उसमें टॉयलेट में बोलते हैं, टॉयलेट में यूजुअली बहुत बदबू आती है, गंदा होता है,
तो जो भी अच्छे सेंटर, जैसे मेरा सेंटर है, अच्छे सेंटर्स में सीमन एनालिसिस में एक अलग साफ कमरा दिया जाता है जिसके अंदर मरीज को सीमन निकालने में हेजिटेशन ना हो। अगर आपको मास्टरबेट नहीं करना है या आप हाथ से सीमन नहीं निकाल सकते तो आप घर पे वाइफ के द्वारा सीमन निकलवा के उसको बॉटल में लेके जाके दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि विद इन 25 मिनट्स to 30 मिनट्स सीमन जो है वो लैब में पहुंच जाए। इस दौरान आपको सीमन के अंदर कोई बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सीमन को अगर एक साफ पॉलिथिन में भी फटाफट ले जाएंगे तो उतना काफ़ी है। अगर आपको हस्त मैथुन करने से या मैथुन या मास्टरबेट करने से प्रॉब्लम है तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करके भी सीमन निकाल सकते हैं। आप और वाइफ जैसे कॉन्डम पहन के सेक्स करें तो कॉन्डम के अंदर जो सीमन है उसको फिर हम क्लियर कंटेनर में डाल के दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि वो रेगुलर कॉन्डम नहीं, वो सिलास्टिक या प्लास्टिक के कॉन्डम होते हैं जैसे ड्यूरेक्स एस्टिवा, तो ये कॉन्डम स्पेसिफिक होते हैं इसके लिए। तो अपने पैथोलॉजिस्ट से ज़रूर मांग कीजिए कि मुझे ऐसा कॉन्डम प्रोवाइड कीजिए कि जिसमें मैं सीमन दे पाऊँ। अब सीमन एनालिसिस आपका जो है वो पैथोलॉजिस्ट तक पहुंच गया तो पैथोलॉजिस्ट नॉर्मली हाफ एन आवर में आपकी रिपोर्ट बनाकर आपको 2 या 3 घंटे में आपको अपनी सीमन की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि वीर्य की जांच कैसे करवाए, वीर्य की जांच कहाँ करवाए और वीर्य की जांच को कैसे कलेक्ट करके अपने पैथोलॉजिस्ट तक पहुँचाए। नेक्स्ट वीडियो में जानिए कि वीर्य की जांच के क्या क्या पैरामीटर होते हैं और उन पैरामीटर्स के लिए क्या क्या इलाज या क्या क्या बीमारियाँ उनको करती है, क्या क्या इलाज पॉसिबल है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपको एंड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। इसको अगर आपको लगे कि आपके कोई दोस्त या मित्र को इस वीडियो की सहायता है तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।